बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सर, एक और क्वेश्चन है एंशिएंट फार्मा के नाम से। ये भी सर हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद WIP का क्वेश्चन है। हाँ जरा सर, इसको हम रीड करें। कह रहे हैं जनाब, एंशिएंट फार्मा इज अ सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अच्छा, जब यहाँ वर्ड देख लो ना, यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, इसका मतलब आप अज्यूम कर लो कि ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स को, WIP को, सबको स्टैंडर्ड रेट पर वैल्यू करती होगी। ठीक है जी। इट प्रोड्यूसर सिंगल प्रोडक्ट सिग्मा। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पर यूनिट ऑफ सिग्मा प्रोड्यूस्ड इज एज अंडर। नीचे सर हमारे पास एक स्टैंडर्ड आ रहा है, मैं ये स्टैंडर्ड दोबारा बना लेता हूँ सर। स्टैंडर्ड फॉर वन यूनिट। अब स्टैंडर्ड फॉर वन यूनिट है क्या सर मेरे पास? सर रॉ मटेरियल है। सर रॉ मटेरियल कितना है जनाब मेरे पास? सर रॉ मटेरियल मेरे पास 8 kg 500 रुपये के हिसाब से ये बनता है सर मेरे पास 4000 रुपये। सर मेरे पास डायरेक्ट लेबर है, यह मेरे पास सर 10 घंटे 80 रुपये के हिसाब से, 10 hours एट द रेट 80 रुपये के हिसाब से हो गए 800। सर मेरे पास जो ओवर हेड्स हैं वो दोनों दिए हैं, फिक्स और वेरिएबल दोनों मिला के दिए हैं 10 घंटे 50 रुपये के हिसाब से। नीचे वो कह रहे हैं जनाब, स्टैंडर्ड्स आर रिव्यूड एवरी 6 months, ठीक है जी, जनवरी और जुलाई में, ठीक है जी। अच्छा, फिर ओवर हेड्स रेट इज़ बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 57,500 hours, ठीक है। यानी लगभग सर अगर 10 घंटे में एक यूनिट बनता है तो 57,500 hours का मतलब है 5750 units, ठीक है जी। अच्छा जी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द मंथ, मंथ मंथ अल्लाह के वास्ते यहाँ के खोल के देख लीजिएगा, ये मंथ लिखा हुआ है, ठीक है जी, 1.15 मिलियन है, ठीक है जी। सर अगर मैं काम करूँ, मैं आपसे कहूँ सर मेरे पास जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है या बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो टोटल है वो है 1150000, ये बता सकते हैं सर मेरे पास जो यूनिट्स हैं वो कितने प्रोड्यूस होंगे? सर जो यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे 5750। सर अगर इसको मैं डिवाइड करूँ ना 5750 से 1150 को, तो ये मेरे पास एग्जैक्टली 200 रुपये पर यूनिट का वो आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब है सर मेरे पास जो FOH है वो इफेक्टिवली बराबर है 200 रुपये पर यूनिट 20 रुपये पर यूनिट और 200 रुपये 20 रुपये पर आर और 200 रुपये पर यूनिट, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर सर वो मुझे कह रहा है जनाब मेरे पास 500 रुपये टोटल ओवरहेड्स हैं, तो इसका मतलब है सर मेरे पास जो वेरिएबल ओवरहेड होगा वो हो जाएगा 300 रुपये पर यूनिट। सर जो फिक्स ओवरहेड है वो हो जाएगा 200 रुपये पर यूनिट, और जो 300 रुपये पर यूनिट है 10 आवर्स के हिसाब से बैलेंसिंग रेट जो बनेगा वो 30 रुपीज़ पर आर बनेगा, ठीक है जी। अब आप इसको देख लें सर, मेरे पास एक यूनिट की टोटल बजटेड कॉस्ट अगर मैं इन सबको एडअप करूँ तो सर मेरे पास ये बनती है जनाब को 5300। क्या मैं इसको नाम दे सकता हूँ? मेरे पास सर यह स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब बताएं सर अगर इसको मैं सेलिंग प्राइस से कंपेयर करूं तो मेरी बजटेड सेलिंग प्राइस सर वो सवाल में ढूंढना पड़ेगी। अगर मैं आता हूं सर नीचे तो उसने सर मुझे एक्चुअल डाटा दिया हुआ है कि महीने में, इस महीने में 12 नवंबर 2012 में क्या क्या हुआ, एक्चुअल सारा हिसाब किताब दिया हुआ है। सर जिस तरह ओपनिंग और क्लोथिंग इन्वेंट्रीज की डिटेल्स दी हुई हैं, जो मैंने सवाल अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने किया था, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, वो देख लीजिएगा, ठीक है जी। ओपनिंग और क्लोथिंग स्टॉक की डिटेल्स आ गई सर। फिर अगर मैं और नीचे जाऊं सर तो मेरे पास ये कह रहा है जनाब नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज 7000 पर यूनिट। इसका मतलब है सर मेरे पास स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 7000 रुपये पर यूनिट है, तो लगभग मुझे सर पर यूनिट प्रॉफिट कितना नज़र आ रहा है? 1700 रुपये प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है जी। ये मेरे पास सर मुकम्मल तैयार हो गया एक स्टैंडर्ड, ठीक है जी, ये मुकम्मल स्टैंडर्ड तैयार हो गया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे प्यारे भाई कि मेरे पास एक यूनिट पे कितने रुपए का प्रॉफिट है, तो आप जवाब दे दो 1700, ठीक है जी। अगर मैं आपसे अब ये पूछूं साथ ही साथ हाथों हाथ कि मेरे पास एक यूनिट पे बजटेड प्रॉफिट कितना है या टोटल बजटेड प्रॉफिट कितना है, तो देखिए बजटेड प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है इधर। वो क्यों सर? हमारे 5750 यूनिट्स टारगेट थे जो हमने बनाने थे और बेचने थे, 1700 रुपए के प्रॉफिट के साथ पर यूनिट ये हो गया कितने का अमाउंट सर?
5750 मल्टीप्लाई बाय 1700, ये हो गया सर मेरे पास 9775000। ठीक है जी, अब अगर बात करें सर कि मैं अपने एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करूं तो मैं एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूं सर। अब बताएं एक्चुअल प्रॉफिट के लिए अगेन हमें एक लंबी चौड़ी वर्किंग करना पड़ेगी। ठीक है जी, हाँ जरा सर करते हैं लंबी चौड़ी वर्किंग, कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले सर ज़रा ये देखें कि हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी है। अब देखो उसने आपको कहा कि एक्चुअल सेल्स इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स 20% ऑफ सेल्स, जो हमने 15% नॉर्मल सेलिंग प्राइस से ऊपर बेची। तो सर मैं सबसे पहले काम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सर यहाँ पर, मैं एक्चुअल प्रॉफिट निकालने जा रहा हूँ। एक्चुअल प्रॉफिट से पहले मुझे चाहिए सर एक वर्किंग किसकी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस की। ठीक है जी, वो मुझसे कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो 7000 है, लेकिन मैंने सबसे पहला काम ये किया है कि कुछ लोगों को मैंने 15% ऊपर नॉर्मल प्राइस से 15% ऊपर यूनिट्स बेचे। यानी मैंने सर 15% ऊपर यूनिट्स बेचे का मतलब मैंने महंगा यूनिट बेचा। कितना महंगा बेचा सर, 15% तो 1.15 का मतलब है मैंने सर 8050 रुपये का एक यूनिट बेचा। ठीक है जी, ये मेरे पास सर सेलिंग प्राइस आ रही है, लेकिन कितने परसेंट क्या वेट है सर इसका, कितने परसेंट सेल्स इस रेट पे हुई है, कितने परसेंट सेल्स इस रेट पे हुई है सर। वो कह रहे जनाब हमारे पास को 20% टोटल सेल्स इस रेट पे हुई है। ठीक है जी, फिर सर वो कह रहे कि हमने कॉर्पोरेट कस्टमर्स को 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 7000 मल्टीप्लाई बाय 0.9 दैट इज 6300। अच्छा ये हमने कितने परसेंट सेल्स इस तरह की किया सर डिस्काउंट के ऊपर, 25% टोटल सेल्स नजर आ रहा होगा आपको ये रहा। ठीक है जी, अच्छा इसका मतलब है बाकी की जो बैलेंसिंग फिगर है वो 7000 रुपये पे हुई होगी। अब वो 7000 रुपये का मतलब है मेरे पास सर कोई 55% बैलेंसिंग रेट, ताकि 100% पूरा हो जाए। अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी है सर, तो आप मुझे कहोगे सर ये बनता है 1610, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनता है सर 1575, सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनता है 3850, सर ये मेरे पास मिला के बनते हैं सर 7035 रुपये। इस रेट पे मैंने सर यूनिट्स बेचे। ठीक है जी, मेरे पास इफेक्टिवली सर इस रेट पे यूनिट्स बिके हैं। डन, चलिए अब अगर मैं आगे लेके जाऊं सर इसको, तो मुझे बताओ सर मेरे पास जो एक्चुअल सेल्स आ रही है, सबसे पहले सर मैं एक्चुअल प्रॉफिट निकालने जा रहा हूं सर, बताएं एक्चुअल प्रॉफिट में सबसे पहले मेरे बच्चों मेरे पास एक्चुअल सेल्स कितने यूनिट मैंने बेचे। अब ये भी एक सर प्रॉब्लम है, ये भी एक फड्डा है, ये भी एक पंचायत है, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, ये मुझे निकालना पड़ेगा सर, और ये निकालने के लिए मुझे क्वांटिटी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले सर इधर आंखें खोल के देखिएगा सर, मुझे बताओ जब मैंने साल स्टार्ट किया तो मेरे पास ओपनिंग WIP कितना था सर, 100 यूनिट्स का। ठीक है जी, और सर ये मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट था, और अंग्रेजी में उसके आगे लिख रहा है 60% कन्वर्टेड, इसका मतलब है 60% कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से कंप्लीट था। सर न्यू यूनिट्स मैंने प्रोसेस में कितने डाले, देखें सर इसके लिए सेल्स की फिगर नहीं निकल सकती जब तक कि आप क्वांटिटी शेड्यूल ना बना लो। सर मुझे एक बात बताएं मैंने कितने यूनिट्स सर नए स्टार्ट किए, ये कह रहे यूनिट्स पुट इनटू द प्रोसेस 6300। ठीक है जी, 6300। ठीक है जी, अब बताएं सर अगर मैं 6300 यूनिट्स यहाँ डाल दूं सर इसमें, तो टोटल यूनिट सब्जेक्ट टू प्रोसेस मेरे पास हो गए सर 6400 यूनिट्स। डन, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जनाब आपके पास जो यूनिट्स क्लोथिंग WIP में बचे हुए वो कितने सर, क्लोथिंग WIP के यूनिट्स यहाँ दिए मैं सर 150 यूनिट्स। ठीक है जी, सर अगर हम आगे जाते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि सर इन 6400 यूनिट्स हमने बनाया क्या, कुछ हमने बनाए होंगे सर कंप्लीट यूनिट्स। ठीक है जी, अच्छा कंप्लीट यूनिट्स के हमेशा हमारे सामने दो पार्ट्स होते हैं सर, कुछ ओपनिंग से आ रहा होता है कुछ न्यू से आ रहा होता है, कुछ ओपनिंग से आ रहा होगा, तो ओपनिंग से सर मैंने 100 यूनिट्स अज्यूम कर लिए, नयों से कितना है ये सवाल में गिवन नहीं है सर। क्लोथिंग WIP की डिटेल बिल्कुल सर सवाल में गिवन है, ये बता रहा है कि हमारे पास सर क्लोथिंग WIP जो बचा है एंड पे आके वो कोई 150 यूनिट्स का बचा हुआ है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है 150 यूनिट्स। ठीक है जी, तो मैंने सर यहाँ 150 यूनिट्स ले लिए। फिर मेरे पास सर सिर्फ नॉर्मल लॉस की डिटेल यहाँ गिवन है, एबनॉर्मल लॉस है ही नहीं, इधर कान खोल के सुन ले, एबनॉर्मल लॉस यहाँ नहीं है। देखें सर नॉर्मल लॉस के बारे में कह रहा है 6250 यूनिट का नॉर्मल लॉस है। ठीक है सॉरी 250 यूनिट्स का हमारे पास नॉर्मल लॉस है, 250 यूनिट का नॉर्मल लॉस ले दूँ तो सर मेरे पास ये मिला जुला के कोई
150 क्लोथिंग WIP, 250 ये, तो मुझे बताएं सर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर कितने यूनिट्स का बनेगा कि जो मैंने क्वांटिटी शेड्यूल के हिसाब से मुझे नज़र आ रहा है कि यार मैंने इतने यूनिट्स फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस किए, ठीक है जी। तो सर मुझे वो नज़र आ रहा है जनाब कोई 6000 यूनिट्स का, तो इसका मतलब है यार ये मेरे पास कोई 5900 यूनिट्स जो है वो नहीं आ रहे होंगे, 6000 यूनिट्स टोटल ये हो गए सर। और ये 150-250 ऐड करूँ तो ये मेरे पास हो जाता है कितना जी, 6400, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास जो क्लोथिंग WIP है ये, सर इसके बारे में भी एग्जामिनर कह रहा है 80% कन्वर्टेड, तो इसका मतलब है मटेरियल के हिसाब से 100% है, ठीक है जी। ये लिखा हुआ नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर, ठीक है जी। और कन्वर्जन के हिसाब से सर ये 80% कम्प्लीट है, ठीक है जी। लॉसेस के बारे में क्या कह रहा है एग्जामिनर सर, लॉसेस के बारे में वो हमें ये बता रहा है सर, पहला पॉइंट हमारे पास के लिए आ गया, दूसरा तीसरा कन्वर्जन कॉस्ट आर अप्लाइड थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है जी। और हमारे पास जो है वो सर लॉसेज अकर्ड एट दी एंड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है जी, लॉसेज अकर्स एट दी एंड ऑफ द प्रोसेस। तो इसका मतलब ये कि सर मेरे पास जो लॉसेज हैं ये मटेरियल के हिसाब से भी फुली कंप्लीट था, खैर मुझे चाहिए नहीं है, मुझे नॉर्मल लॉस का कॉलम वैसे भी उड़ाना है, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। ये मेरे पास सर सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। अब अगर मैं सर एक क्वांटिटी शेड्यूल बना लिया मैंने सर, मुझे पता चल गया कि 6000 यूनिट्स मेरे पास टोटल फिनिश हुए ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है जी। तो अगर मुझे ये मालूम करना हो कि सर मैंने ड्यूरिंग द पीरियड कितने यूनिट बेचे हैं एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए, तो मेरे पास सर सबसे पहले सेल्स के लिए मुझे चाहिए ओपनिंग फिनिश गुड्स, कितने जी ओपनिंग फिनिश गुड्स सर, सवाल में देख लें, ओपनिंग फिनिश गुड्स है मेरे पास सर 200 यूनिट, क्लोथिंग है 800 यूनिट, ठीक है जी। ओपनिंग 200, प्रोडक्शन 6000, क्लोजिंग 800, तो मेरे पास सर को 5400 यूनिट्स क्या होंगे ड्यूरिंग द पीरियड सेल हुए, ठीक है जी। अब मैं काम ये कर रहा हूँ सर, मेरे पास ये क्वांटिटी शेड्यूल बनाया मैंने सिर्फ इसलिए ताकि मुझे पता चल जाएगा सेल प्रोडक्शन कितनी हुई है। अब बताएं सर अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाऊँ, ये दिमाग में रखिएगा, मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ सर, एक्चुअल प्रॉफिट मेरे बच्चों, एक्चुअल प्रॉफिट में सबसे पहली फिगर सेल्स सर, मैंने 5400 यूनिट बेचे एट 7035 की एवरेज प्राइस पे, तो सर अगर मेरे पास 7035 की एवरेज प्राइस पे मैं ये सेल्स निकालूं, तो सर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये बनता है 37989000, ठीक है जी। अब मैं फिर आपको बता दूँ, ये सवाल इतना सीधा नहीं है, ठीक है जी। एक एक स्टेप पे आपको सारा हिसाब किताब देखना है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितने यूनिट पड़े हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सर, नज़र आ रहे हैं 200 यूनिट्स, ठीक है जी। स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू करना है 200, एक यूनिट का स्टैंडर्ड रेट सर, ऊपर जाएं, टापो टाप, एक यूनिट का स्टैंडर्ड रेट 5300 से इसको वैल्यू करें, 5300 ओपनिंग यूनिट सर, 5300 ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक सर, ठीक है जी। ये आता है मेरे पास सर 1060000, ठीक है जी। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, लंबी चौड़ी वर्किंग करनी है नीचे, बाद में देखते हैं, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 800 मल्टीप्लाई बाय 5300, फोर जीरो ट्रिपल जीरो। अब बताएं सर मेरे पास जो दरमियान का डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये मैंने मालूम करना है। और नीचे आते हैं सर, अब ये मालूम करना शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मेरे पास सबसे पहले सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सर, मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैं जाता हूँ सर सवाल पे, तो मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नज़र आ रहा है 4000 kg, और सर मुझे रॉ मटेरियल का जो स्टैंडर्ड रेट है वो नज़र आ रहा है कोई 500 रुपये पर के जी, ठीक है जी। तो मैं लिखता हूँ जनाब 4000 kg एट द रेट 500 रुपये पर के जी, तो याद है सर 2 मिलियन रुपये,
ठीक है जी। मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सर परचेजेस, सब परचेजेस हैं सर मेरे पास, सवाल में गिवन है परचेजेस मेरे पास सर जो आ रही है वो आ रही है कोई 24.3 मिलियन की, ठीक है जी। ये नज़र आ रही होंगी सर आपको 24.3 मिलियन की परचेजेज हैं, और सर हमने ये परचेजेज जो ली हैं वो नीचे सर डिटेल भी आ रही है कि हमने 486 रुपये पर केजी के हिसाब से लिए। तो मैं लिख देता हूँ सर हमारे पास कोई 24.3 मिलियन, ठीक है जी। और सर अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये बनते हैं सर कोई 50,000 केजीज, ऐसे ही 50,000 केजीज बनते हैं। चेक कर लेंगे सर 486 के रेट से, जी सर 50,000 केजीज बनते हैं सर एट द रेट 486 रुपये पर केजी, सस्ता मिल गया सर। हम क्लोथिंग स्टॉक अगेन हम स्टैंडर्ड रेट पे लेंगे सर, हमारे पास क्लोथिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है कितना जनाब, क्लोथिंग स्टॉक मेरे भाई पर आ रहा है सर जा रही है 5,000 केजी, ठीक है जी 5,000 केजी आ रहा है, 4,000 ओपनिंग था 5,000 क्लोजिंग है, तो 5,000 × 500 वुड भी सर 2.5 मिलियन। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है वो कितना आ रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर रॉ मटेरियल कंज्यूम मेरे पास आ रहा है जनाब कोई 23.8 मिलियन, ठीक है जी। मैं इसको नाम दे रहा हूँ रॉ मटेरियल कंज्यूम। सर इसमें मैं लेबर की कॉस्ट ऐड कर रहा हूँ, मैं इसमें सर वेरिएबल ओवरहेड्स ऐड कर रहा हूँ, और मैं इसके अंदर सर फिक्स्ड ओवरहेड्स ऐड कर रहा हूँ जो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड इनकर किए, ठीक है जी। अब अगर मैं जाता हूँ तो सर मुझे लेबर की कॉस्ट भी बड़ी ऑब्वियस नज़र आ रही है 5.28 मिलियन, ये मैं यहाँ डाल देता हूँ सर 5.28 मिलियन, ठीक है जी। फिर मुझे नज़र आ रहा है सर के जो ओवरहेड्स हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो टोटल दिए मैं 3.5 मिलियन, ठीक है जी। मेरा काम हो जाएगा सर, मैं इसको वेरिएबल और फिक्स मिला के लिख देता हूँ सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मेरे पास आ जाता है सर 3.5 मिलियन, ठीक है जी। अब अगर मैं इन सबको ऐडअप करता हूँ तो सर मेरे पास आ जाएगा टोटल 3.5 है, बिल्कुल सर 3.5 मिलियन। इन सबको ऐडअप करें तो मेरे पास सर ये आता है जनाब जो टोटल हिसाब किताब बन रहा है, यानी सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द मंथ आ रही है वो आ रही है 32.58 मिलियन, डन। अब मैंने इसमें एडजस्ट करना है सर अपना ओपनिंग WIP, ठीक है जी। ओपनिंग WIP में अगेन मेरे पास सर यूनिट्स हैं कितने, कोई 100 यूनिट्स हैं, इस पर सर मटेरियल 100% लगा हुआ है और सर स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू है 100% लगा हुआ है मटेरियल, और 1 केजी का रेट है सर 500। तो सर मेरे पास ये बनता है जनाब कोई ओपनिंग WIP 100 यूनिट्स हैं और मेरे पास सर मटेरियल का रेट है कोई 500 नहीं है, मटेरियल का रेट 4,000 रुपये पर यूनिट है, ठीक है जी। तो ये आता है सर मेरे पास कोई 4,00,000। सर इस पर कन्वर्जन कॉस्ट आती है जनाब 100 यूनिट्स पे 60%, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो सर 1,300 रुपये की कन्वर्जन कॉस्ट है एक यूनिट पे। ये 1,300 कैसे है सर, ये 1,300 ऐसा है, इन तीनों को ऐडअप करेंगे तो ये बनेगा 1,300, 4,000 में 1,300 ऐड करेंगे तो सर 5,300 रुपये का एक यूनिट की कॉस्ट बनेगी, ठीक है जी। 1,300 × 100 × 60 आ रहा है सर मेरे पास 78,000, ठीक है जी। अब मैं इसमें से ले रहा हूँ सर क्लोथिंग WIP, वो लेस करना है मैंने, अगेन क्लोथिंग WIP सर मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल हैं कितने यूनिट सर, मेरे पास यूनिट्स हैं सर क्लोथिंग WIP के 150 यूनिट्स, ठीक है जी। मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है, कितना सर 6,00,000, कन्वर्जन कॉल 150, 80% × 1,300 कितना आ रहा है सर, ये मेरे पास 1,56,000। सर अगर मैं ये सब कुछ ऐड लेस कर दूँ ना तो मेरे पास आ जाएगा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और ये मेरे पास आ रहा है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अराउंड कोई अराउंड 32.302 मिलियन, ठीक है जी। अगर मैं इसको प्लग इन करूँ यहाँ पे 32.302 मिलियन, ठीक है जी, तो सर मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनता है नेट वो बनता है सर 2,912,000, ठीक है जी। अगर मैं इन सबको नेट करता हूँ तो सर मेरे पास सॉरी यही आ रहा, हाँ सर मेरे पास प्रॉफिट आ जाता है जनाब कोई 8
8 6 7 triple 3, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया सर प्रॉफिट। अब ये है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट सर, ऊपर मेरा बजटेड प्रॉफिट भी आ रहा है, ठीक है ना। बजटेड प्रॉफिट ये रहा है सर मेरे पास कोई लगभग 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 कोई 9 7 5 triple 0, और एक्चुअल आ गया मेरे पास सर कोई 8 8 6 7 triple 0। अब सर मुझे वेरियंसेस निकालने, अब अगर मैं वेरियंसेस निकालने जाऊं तो सबसे पहले सर मुझे निकालनी है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है जी। अब अगेन सर मेरे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए अगर मैं यहाँ पर ऊपर जाके क्वांटिटी शेड्यूल देखूँ तो ये मेरे पास क्लासेस ऑफ आउटपुट्स हैं सर सारे, ये क्लास ऑफ आउटपुट है। इसमें एक क्लास ऑफ आउटपुट कंप्लीट यूनिट है, दूसरा क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है, तीसरे को हम लेंगे ही नहीं, नॉर्मल लॉस है, ठीक है जी। अगेन सर मेरे पास इसमें एक पार्ट ओपनिंग का है, एक पार्ट करंट प्रोडक्शन का, ठीक है जी। तो अगर मैं सर नीचे हिसाब किताब बनाऊँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का, मैं कहूँ जी मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, तो जो मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स हैं उसमें ओपनिंग अलग आ रहा है और न्यू अलग आ रहा है। ओपनिंग जो है सर मेरे पास मटेरियल के हिसाब से ऑलरेडी कंप्लीट थे 100 यूनिट, कन्वर्जन के हिसाब से 60% कंप्लीट थे तो मैंने उस पर 40 यूनिट और ले लिए, ठीक है जी। ये मेरे पास सर पहला हिसाब किताब आया, फिर दूसरे सर मेरे पास 5900 यूनिट जो है वो नए थे, यहाँ भी कंप्लीट यहाँ भी कंप्लीट। सर मेरे पास क्लोथिंग डब्ल्यू आई पी आ रहा है, क्लोथिंग डब्ल्यू आई पी मेरे पास सर यहाँ 150 यूनिट है, इधर 120 यूनिट है, ठीक है जी। तो सर इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जो मेरे पास आते हैं मटेरियल के हिसाब से आता है सर 6050, इन सबको अगर मैं एडअप करता हूँ और ये आता है सर मेरे पास 6060। अब बताएं सर मैं अगर वेरियंसेस निकालने जाऊँ, ठीक है जी, एक एक करके वेरियंसेस निकालने जाऊँ तो मेरे पास सबसे पहले सर मटेरियल के वेरियंसेस, ठीक है जी। अब बताएं मटेरियल में सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरियंस, सर एक के जी कितने का आना चाहिए था सर, सवाल में देखें तो सर एक के जी आना चाहिए था कितने का, मटेरियल का एक के जी, मटेरियल का एक के जी आना चाहिए था सर 500 रुपए का, ठीक है जी, 500 रुपए का एक के जी आना चाहिए था, ठीक है जी। हमने कितने का खरीदा सर, हमने खरीदा सर, सवाल में गिवन है कि हमने उसको खरीदा जनाब कोई 486 रुपए पर के जी के अंदर, ये रहा सर, ठीक है जी। तो हमने सर 486 रुपए पर, और हमने खरीदे सर 50,000 के जी, ऊपर सवाल में हमने सर ये भी कैलकुलेट किया था, ये रहा सर हमारे पास जहाँ परचेजेज आ रही हैं, ये भी सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बैलेंसिंग फिगर हमने लिया था, ठीक है जी। ओ बाबू ये सवाल में गया हुआ है चरसियों, सर ये कहाँ गया हुआ है, ये रहा बेटा ये दिया हुआ है 24.3 मिलियन, 24.3 मिलियन को जब तुम डिवाइड करोगे 486 से तो तुम्हारे पास 50,000 के जी आएंगे, डन है। चलो अब बताए मेरे पास वेरियंस कितना आ रहा है सर, सस्ता मिला ये मुझे 14 रुपये सस्ता मिला सर, तो मेरे पास कोई 7,00,000 रुपये का फेवरेबल वेरियंस है। अब बताए मटेरियल का यूसेज वेरियंस, मटेरियल के यूसेज वेरियंस के लिए मुझे ये मालूम करना होगा मटेरियल यूज़ कितना हुआ, तो मुझे बताएं मेरे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना रहा सर 4,000 के जी, परचेजेस कितनी है जनाब 50,000 के जी, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है भैया 5,000 के जी है सर, ये मेरे पास 49,000 के जी बनता है। अब बताएं सर मैंने फिनिश गुड्स के यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, मटेरियल के हिसाब से 6,050 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे कितने के जी मटेरियल लगना चाहिए सर, स्टैंडर्ड में जाके देखें, स्टैंडर्ड में जाके देखें एक यूनिट पे लगना चाहिए सर 8 किलो मटेरियल, ये रहा, ठीक है जी। और हमने कितने के जी इस्तेमाल किए सर 49,000, अब ये याद रखना सर ये क्वांटिटी परचेज्ड है, बोला है उसने एग्जामिनर ने किस तरह यूज करो, ये क्वांटिटी यूज्ड है, याद रखना हमेशा यूजेज वेरियंस में क्वांटिटी यूज्ड ही आती है चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है जी, कंपनी की कोई भी पॉलिसी इधर क्वांटिटी यूज्ड ही आएगा, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास स्टैंड रेट 500 रुपए का, अगेन सर मैंने यहाँ पर अपेरेंटली कंजम्पशन ज़्यादा की है, ये 48,400 बनते हैं और मैंने 49,000 यूज़ कर लिया तो सर 3,00,000 का एडवर्स वेरियंस आ गया मेरे पास, इधर डन हो गया। अब बताएं मटेरियल के बाद मैं जा रहा हूँ सर लेबर के वेरियंसेस पे, लेबर में सबसे पहले सर मेरे पास लेबर का रेट वेरियंस कितने रुपये का एक के जी आना चाहिए था सर रेट के हिसाब से, एक आर आना चाहिए था सर मेरे पास 80 रुपये के हिसाब से, ठीक है जी।
अब आप बताएं सर, आपने एक कार कितने का लिया सर? सर मैंने कोई 5,28,5.28 मिलियन के घंटे खरीदे हैं, और एक घंटा सर सवाल में गिवन है, सवाल में गिवन है कि मैंने सर कोई 88 रुपीज़ का लिया, ठीक है जी। आप बताएं सर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास सर जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो कितनी है जनाब? हाँ सर, मेरे पास ये जो है ना वो 88 का, और एक्चुअल आर्स अगर मैं निकालने जाऊँ तो 5,280,000 डिवाइडेड बाय 88, ये मेरे पास सर अराउंड कोई 60,000 केजी बन रहा है शायद, ठीक है जी। हाँ सॉरी, ये 60,000 आर्स बन रहे, ठीक है, ये 60,000 आर्स बन रहे। बताएं कितना बन रहा है सर वेरियंस? चूँकि सर मैंने महंगा खरीदा घंटा, तो मुझे 4,80,000 का नुकसान हुआ है। यार इसको चुप करा दो सर। अब मैं कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से देखूं तो मेरे पास 6,060 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, और सर मेरे पास एक यूनिट पे कितने घंटे लगते हैं जनाब? एक यूनिट पे सर मेरे पास लगते हैं अराउंड कोई 10 घंटे। लगते हैं एक यूनिट के ऊपर। सर मेरे पास जो एक्चुअल आर्स कंज्यूम है वो कितने हैं सर? ये बनता है सर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 80। सर यहाँ चूंकि मैंने आर जो है वो कम कंज्यूम किए हैं, 60,600 आर्स की जगह मैंने सिर्फ 60,000 आर्स कंज्यूम किए, तो सर मुझे 48,000 का फेवरेबल वेरियंस नज़र आ रहा है इधर, ठीक है जी। लेबर के बाद अब मैं जा रहा हूँ सर वेरिएबल ओवरहेड्स के ऊपर। सर वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड के वेरियंसेस के लिए पहले हमें ब्रेकअप चाहिए। मुझे बताएं मेरे पास टोटल ओवरहेड्स कितने हैं सर? टोटल ओवरहेड्स सर सवाल में टोटल ओवरहेड जो एक्चुअल में गिवन है वो 3.5 मिलियन की गिवन है, ये रहे, ठीक है जी। यहाँ ले लेते हैं जनाब 3.5 मिलियन। अब वो कह रहे जो हमारे फिक्स ओवरहेड्स हैं उसके बारे में, उससे नीचे हमें ये बताया कि फिक्स ओवरहेड के दो पार्ट्स हैं, 25% इसमें सैलरीज एंड वेजेस हैं, बाकी दूसरी चीज़ें, ठीक है जी। और वो कह रहे सैलरीज और वेजेस में कोई चेंज नहीं है, दूसरी चीज़ें 4% बढ़ गई, चलो ठीक है जी। सर हमारे पास जो ओरिजिनल फिक्स ओवरहेड था वो था कितना? सर हमारे पास जो फिक्स ओवरहेड है वो है 1,150,000 सवाल में केवल है। वो कह रहे इसका 25% सैलरीज एंड वेजेस हैं, और इसका 75% हमारे पास अदर देन सैलरीज एंड वेजेस हैं। तो सर अगर मैं आपसे कहूँ 1,150,000 का 25% ये मेरे पास सैलरीज एंड वेजेस बनती हैं 287,500, ये अनचेंज्ड है सर। 1,150,000 का 0.75 बनता है सर मेरे पास 862,500, ये 4% बढ़ गया सर, ये 4% बढ़ गया। तो इसको अगर मैं 4% बढ़ाऊं तो ये मेरे पास आता है सर कोई 897,000। इन दोनों को मैं ऐड अप कर दूं सर तो मेरे पास नए फिक्स्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे, दैट इज 1,184,500, ठीक है जी। ये आ गया सर मेरे पास 1,184,500। अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये जो टोटल ओवरहेड्स हैं इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 1,184,500 माइनस कर दूं इसमें से, तो मेरे पास सर जो वेरिएबल ओवरहेड्स बचते हैं वो 3.5 मिलियन में से 1,184 हटा के बचता है सर मेरे पास 2,315,500, ठीक है जी। अब अगेन सर मैं अगर वेरिएबल ओवरहेड का सबसे पहला वेरियंस निकालूं, दैट इज एक्सपेंडिचर वेरियंस, तो एक्सपेंडिचर वेरियंस में एक आर मुझे कितने का लेना चाहिए था सर वेरिएबल ओवरहेड का? सर ऊपर जो स्टैंडर्ड बना है उस पर जाके देख लें, एक आर मुझे लेना चाहिए था सर कोई 30 रुपए का, ठीक है जी। अब बताएं आपने एक आर कितने में लिया सर? एक आर लेना चाहिए था 30 में। सर मैंने 60,000 घंटे लिए 2,315,500 डिवाइडेड बाय 60,000 आर्स, ठीक है जी। लेबर के आर्स उतने ही वेरिएबल ओवरहेड के आर्स, तो मुझे बताएं सर मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड का जो एक्सपेंडिचर वेरियंस आ रहा है वो आ रहा है सर सिग्निफिकेंटली 39 रुपए के करीब का रेट बनता है सर। सर मेरे पास सिग्निफिकेंटली एडवर्स आ रहा है कितना बता? सर ये मेरे पास आ रहा है जनाब कोई 5,15,500, ठीक है जी। अब बताएं वेरिएबल ओवरहेड का मेरे पास एफिशिएंसी वेरिएंस, सर अगेन मैंने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं फिनिश उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स 6,060, एक यूनिट पर 10 घंटे लगते हैं, मैंने 6,500 घंटे में काम मैनेज कर लिया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड है 30 का, सर ये मेरे पास कोई 18,000 रुपये का फेवरेबल वेरियंस बनता है, डन। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड्स के बाद बेटा मैं फिक्स ओवरहेड्स पे अगर जाऊँ तो मेरे पास दो वेरियंस हैं सर। सबसे पहले फिक्स ओवरहेड्स में
एक्सपेंडिचर वैल्यू। सर बजटेड एक्सपेंडिचर वॉज 1150000, बट सर इसमें से जो एक्चुअल आ रहा है वो आ रहा है 1184500। ये रहा कैलकुलेट हुआ है सर नीचे, अगर आप यहाँ देखो ना ये कैलकुलेट हुआ है, ठीक है जी। और इसमें मेजर रीज़न जो है ना ये 4% का इंक्रीज है, तो सर ये मेरे पास बनता है अराउंड कोई 34,500 का एडवर्स वेरियंस। सर मेरे पास जो वॉल्यूम वेरियंस है, मैंने प्रोड्यूस करने थे 5750 यूनिट्स बजट था, आपको ऊपर नज़र आ जाएगा ये। सर मैंने प्रोड्यूस किए 6060। अब रिजवान बोलेगा ये कहाँ से आया, ये देख ले भाई सवाल में गिवन था, ऊपर जाओ ये रे। सर ये तो गिवन ही नहीं था बेटा, 57,500 नॉर्मल आर्स गिवन थे, एक यूनिट 10 घंटों में बनता, तो 5750 यूनिट्स बजटेड थे जो हमने प्रोड्यूस करना, ठीक है जी। सर अगर मैं ऊपर जाऊँ तो मुझे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वॉल्यूम वेरियंस के लिए जो OAR मिलेगा वो 200 रुपये पर यूनिट मिलेगा। और सर ये रहा मेरे पास 200 रुपये पर यूनिट, ऊपर मैं आपको ले जाके बजट में दिखा देता हूँ। सर ये रहा 200 रुपये पर यूनिट, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं सर मेरे पास जो नीचे वेरियंस आ रहा है वो टोटल कितना आ रहा है फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरियंस, तो सर मैंने टूटेगा ही छोड़ो। सर ये आ रहा है मेरे पास कोई 62,000 का फेवरेबल। अब बताएं सर मेरे पास सेल्स के वेरियंसेस, सबसे पहले सर मेरे पास सेल्स का प्राइस वेरियंस, सर मैंने एक यूनिट 7,000 रुपये का बेचना था, मैंने 7,035 का एक यूनिट बेचा, और सर मैंने जो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे वो सर ऊपर हमने सेल्स के लिए भी निकाले थे थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो सर सेल्स के लिए भी हमने निकाले थे, वो थे सर 5400 यूनिट्स, ठीक है जी। सर मेरे पास ये वेरियंस आ रहा है सर सेल्स का फेवरेबल वेरियंस आ रहा है सर कोई 189,000 का। सर सेल्स का वॉल्यूम वेरियंस ये भी मैं निकाल सकता हूँ सर, सर मैंने 5750 यूनिट्स बना के बेचने थे, मैंने सिर्फ 5400 यूनिट्स बेचे, एक यूनिट का स्टैंडर्ड प्रॉफिट 1300 है। मैं फिर आपको ऊपर ले जाता हूँ दिखाने के लिए सर, गया सर सॉरी 1700। सर ये मेरे पास बनता है एडवर्स कोई 595,000, ठीक है जी। और सर अगर इन सारे वेरियंसेस को मैं ऐड अप करता हूँ तो ये मेरे पास आते हैं कोई 9,08,000 रुपए के वेरियंसेस, अगर आप ऊपर से इसको चेक कर लें टोटल ऐड अप करें तो। यहाँ से ऐड अप करते जाएं सर, यहाँ से ऐड अप करते जाएं, और अगर सर इसको वे अप टू कितना, तो ये 9,08,000 बनता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास एक रिकन्सिलेशन मुझे बना के दे दें, तो सर मेरे पास बजटेड प्रॉफिट कितना है भैया, बजटेड प्रॉफिट ऊपर आ रहा है सर मेरे पास कितने का, यार 9,775,000। सर यार 9,775,000। सर मेरे पास जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है, इसको बंद करो यार, सर मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है, सर एक्चुअल प्रॉफिट है मेरे पास 8,867,000। सर अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं ना तो मेरे पास 9,775,000 माइनस 8,867,000, तो ये मेरे पास बनते हैं एग्जैक्ट 9,800 रुपये डिफरेंस है। और सर मेरे पास जो वेरियंसेस का टोटल है वो भी इतना ही बनता है, ठीक है जी। और सर चूँकि मेरे पास ये सारे ये एक्चुअल प्रॉफिट कम है तो एडवर्स है, तो इसलिए इसको भी मैंने एडवर्स ही रखा है, ठीक है जी। अब सर एक और तरीका होता है एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, ऑल्टरनेटिव मेथड। मेरे पास सर एक्चुअल सेल्स लेने कितनी है, सर एक्चुअल सेल्स अगर आप लेंगे मेरे प्यारे भाई, ये होगा सर 37,989,000। और ये ऐसे आया है सर 37 मिलियन की सेल्स ऐसे आई है कि मैंने 5400 को मल्टीप्लाई किया है 7,035। अब सबको पता है सर एक्चुअल का मतलब है बजट प्लस वेरियंस। सर मैं यहाँ ले रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5300 की स्टैंडर्ड कॉस्ट। सर अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट से वो करूँ सर, तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से बनता है वो बनता है जनाब कोई 5400 मल्टीप्लाई बाय 5300, ये मेरे पास बनता है सर कोई 28.5
620000। सर मेरे पास यहाँ जो प्रॉफिट आता है वो आता है सर 9369। अब सीधी सी बात है सर, इसमें ये सिर्फ बजट आ रहा है, सेल्स जो है वो एक्चुअल पे ले ली, बजट प्लस वेरिएंस, कॉस्ट हमने सिर्फ बजटेड लिया है, तो सर मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ कॉस्ट वेरिएंसेस। अब कॉस्ट वेरिएंसेस हैं कितने सर, कॉस्ट वेरिएंसेस में क्या क्या लेना चाहिए सर? कॉस्ट वेरिएंसेस में सारे कॉस्ट वेरिएंसेस अगर आप लें सिवाय दो सेल्स वेरिएंसेस के, तो वो ढूंढना पड़ेंगे सर ऊपर से, जरा सर सर ये सारे वेरिएंसेस लेने, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना सर, ये लेना है, ये लेना है सर, ये लेना है, ये लेना है, चाचा भाई ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है सर। अगर ये सारे वेरिएंसेस में लूँ ना तो ये बनते हैं सर को 5,02,000 रुपये। तो अगर मैं नेट करूँ सर इस 5,02,000 को, तो ये मेरे पास आ जाता है 8867000। अगर आप चेक करो ना सर, यही मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है जी सर, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल सवाल आता है, देख के करना है इसको। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल। अल्लाह हाफिज़।